हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो एक व्लॉग वीडियो है। हम जा रहे हैं बरोट वैली, जो हिमाचल में है। आपने नाम सुना होगा, मैं हिमाचल में रहती हूँ, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। तो हम अब घर से निकल चुके हैं। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं हमारे घर के आगे ही मार्केट में। हम यहीं से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, क्योंकि ऊपर बरोट में जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम पहुंच गए हैं ट्राउट फार्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राउट फिश है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग जो है वो बंद थी, तो फिश सेल भी नहीं हो रही थी और हमें मार्केट में भी कहीं खाने के लिए नहीं मिली, क्योंकि फिश जो इस टाइम अंडे देती है तो उन्हें मारा नहीं जाता। फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ही क्लिक करवा लिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम गए थे। ये है फिश का फार्म। यहाँ पीछे जो ये घर बना हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही इनका ऑफिस है। इसके ठीक सामने जो ये एक फाउंटेन था, इसको हमने इमेज में देखा था। ये काफ़ी फेमस इमेज में, सब इमेजेस में जितने भी वीडियोस थे उनमें सब में ये था, तो हम भी आ गए। ये बिल्कुल सामने ही है, ट्राउट फार्म के सामने ही है, बस नीचे से एक रास्ता गया हुआ है, वहाँ से आपको जाना होता है। ट्राउट फार्म से ही आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कुछ पानी, इसमें से पानी निकल रहा था, पता नहीं ये कुछ शायद कोई पाइप नीचे से फटी हुई थी या पता नहीं क्या था, जिसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, ये सारी धुल गई इससे। और इसमें से कुछ अजीब सा ही पानी निकल रहा था और बदबू सी आ रही थी, स्मेल सी आ रही थी। इसमें से सब्जियाँ वगैरह भी निकल रही थी। मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, तो उसमें से सब्जियां निकल रही थी। साफ पानी नहीं था ये, पता नहीं कोई पाइप शायद कहीं से फट गई थी। तो दिस इज़ द बरोट वैली, हिमाचल का ब्यूटीफुल वेदर। ज़्यादा कुछ तो हमें यहाँ पर दिखा नहीं था, जंगल में दो लंगूर दिखे थे, वो भी चुप गए थे। ये पाइन ट्रीज़ हैं हिमाचल में, ऐसे ट्रीज़ आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, पहाड़ों में, सारे पहाड़ में ये साइड्स में होते ही हैं। मैं खुद हिमाचल में रहती हूँ, तो मैं आज तक बरोट नहीं गई थी, पहली बार हम गए। बहुत ही अच्छा, वैसे वेदर तो बहुत अच्छा था। शाम को आते टाइम जो है वो बारिश हो गई थी, बट एक रिग्रेट रहा कि फ़िशिंग जो है वो बंद थी, तो हम फिशिंग नहीं कर पाए, हम फिश नहीं खरीद सके और मार्केट में भी नहीं मिल रही थी। ये देखिए, ये जो है ये हमारी कार है और ये है बरोट वैली पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं। सामने ही जो है ट्राउट का फार्म है। मुझे इतना एडवेंचरस नहीं लगा, बिकॉज़ मैं यहीं रहती हूँ, मैं हिमाचल में ही रहती हूँ, तो हमारे लिए इतना एडवेंचरस नहीं हो सकता। बट जो लोग बाहर से आते हैं, ख़ास करके सिटी से जहाँ पे ऐसा वेदर नहीं है, शांत वेदर और शांत वातावरण जिन्हें चाहिए होता है, उनके लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है। फिर हम ट्राउट फार्म से आगे की तरफ निकल गए, लोहारडी की तरफ। तो रास्ते में हमें ये एक प्लेस मिली जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था लेफ़्ट साइड में। अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी ये जगह जो है वो दिखेगी। लेफ़्ट साइड में मंदिर है और राइट साइड में ये प्लेस है। यहाँ पे स्टे करने का अरेंजमेंट भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए थे। अगर आप समर्स में आते हैं तो पता नहीं यहाँ पे इतना पानी उस टाइम होगा या नहीं, बट समर्स में अगर आप आते हैं और पानी इतना हो तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। ये फाउंटेन है और यहाँ पे बहुत पानी था,
तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं, बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो उस वेदर में ये ज़्यादा अच्छा था रहेगा, बिकॉज़ हम तो ठंड में गए थे, तो ठंड के मौसम में इतना तो यूज़ नहीं हो सका इसका पानी का, हमने इतना इन्जॉय तो नहीं किया पानी में। अगर हम गर्मी में आते और इतना पानी होता तो बहुत मज़ा आता। काफ़ी अच्छी जगह थी, शांत, बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब आप महसूस करते हो। हम यही रहते हैं हिमाचल में, इसलिए हमारे लिए ये आम बात है, क्योंकि हम रोज़ इन सब चीज़ों को देखते हैं, हमारे आसपास ये सारी चीज़ें हैं। बट जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट होते हैं। फाउंटेन में हमने काफ़ी फोटोज़ जो है वो वहाँ पे क्लिक करवा लिए। अपने आप ही पानी से देखिए एक रेनबो भी बन रहा था, फोटोज़ में भी आपको दिखेगा। फिर हम आगे की तरफ निकल गए लोहारडी की तरफ, और वहाँ पे एक फिश फार्म था, बट वो काफ़ी ऊपर की तरफ था और वहाँ से जाने का रास्ता जो प्रॉपर नहीं था, इसलिए हम ऊपर नहीं गए। कायरव ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, मना कर रहे हैं फिर भी वो पानी में हाथ लगा रहा है। इसके बाद हम वापस चले गए, घर के लिए निकल गए, बिकॉज़ बारिश हो गई थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए हम वापस निकल गए। बस भाई बस 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 थैंक यू, चले चलो।